Bye bye. Vidimo se, Air Serbia. I found myself in New York City. I found myself in front of you. JFK, Terminal 4, John F. Kennedy, New York. आपका स्वागत है. US पहुंचने के बाद में US और कैनेडियन सिटीजन्स के लिए जो इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज़ हैं वो जल्दी हो सकें, इसके लिए यहाँ जगह जगह पर बोर्ड लगे हुए हैं, मतलब कुछ प्रोसेस है. काश हमारे यहाँ पर भी हो, हम इंडियंस के लिए, हमारे इंडियन इमिग्रेशन वाले भी अगर इंडियंस के लिए दिल्ली मुंबई जहाँ भी हम पहुँचते हैं वापस कुछ ऐसे ऐप बेस्ड कर दें तो कितना आसान हो जाएगा ना प्रोसेस. हम लोगों को लाइन में कितना कई बार बहुत बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ता है. पीछे जो आप देख रहे हैं वो बेसिकली है यहाँ का इमिग्रेशन. फ्लाइट से उतरा एज़ यूजुअल लास्ट में, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऑफिशियल्स थे तो नंबर जल्दी आ गया. जब मेरा नंबर आया तो मुझसे उन्होंने पूछा हाउ आर यू डूइंग. मैंने कहा यस आई एम गोइंग टू डोमिनिकन रिपब्लिक. आई एम आस्किंग हाउ आर यू डूइंग. तो फिर मैं थोड़ा सा हंसा, मैंने कहा आई एम गुड. मुझे सुनाई दिया हाउ आर वेयर आर यू गोइंग, क्योंकि मास्क लगा रखा था उन भाई साहब ने, तो थोड़ा सा उनके समझ नहीं पाया मैं चीज़ों को. खैर फिर उन्होंने पूछा व्हाट इज़ योर स्टेटस इन द यूएस. तो मैंने कहा कि मैं एक विज़िटर हूँ. तो उन्होंने कहा ठीक है, आप कहाँ से आ रहे हैं. मैंने कहा आप इंडिया से आ रहे हैं. उन्होंने पूछा, मैंने कहा नहीं मैं सर्बिया से आ रहा हूँ, क्योंकि इंडियन पासपोर्ट उन्होंने देखा. अच्छा सर्बिया से आ रहे हैं, आप कहाँ रहते हैं. मैंने कहा इंडिया में रहता हूँ. और सर्बिया में आप क्या कर रहे थे. मैंने कहा मैं घूमने गया था. कितना टाइम रहे थे. मैंने कहा ढाई महीने. ढाई महीने क्या कर रहे थे. मेरा एक कैमरा ऐसे हाथ में था. मैंने कहा आई एम ए ट्रैवल व्लॉगर. ओके तो अब कहाँ जा रहे हैं. मैंने कहा डोमिनिकन रिपब्लिक. बस ना उन्होंने फ़्लाइट टिकट्स देखी ना उन्होंने कुछ देखा. कब है आपकी फ़्लाइट. मैंने कहा आज रात. आज आप कहाँ रुकने वाले हैं. मैंने कहा आज मैं एयरपोर्ट पर रुकने वाला हूँ, क्योंकि कल सुबह 6 बजे मेरी फ़्लाइट है यहीं से. तो स्टैम्प उन्होंने लगा दी थी, हाथ से लिखा उसके अंदर B2, और मेरी एंट्री हो गई है न्यूयॉर्क में. जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट जो न्यूयॉर्क का है, ये न्यूयॉर्क शहर का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है अगर मैं सही हूँ तो. इसके पड़ोस में ही जो दूसरा स्टेट है न्यू जर्सी, वहाँ पर है नेवार्क. तो इंडिया से दोनों ही एयरपोर्ट्स के लिए फ़्लाइट्स आती हैं. इंडिया के कई सारे शहरों से, दिल्ली से, मुंबई से, और भी शायद दूसरे शहरों से यहाँ JFK भी आती हैं, और नेवार्क जिसका कोड है EWR वहाँ भी आती होंगी. न्यूयॉर्क, नेवार्क सुनने में थोड़ा एक जैसा लगता है, लेकिन एयरपोर्ट्स अलग हैं. दोनों स्टेट्स अलग हैं, लेकिन हैं ऐसे जैसे महाराष्ट्र, गुजरात. तो ये बहुत ही पुराना एयरपोर्ट है, बहुत ही बड़ा है. लेकिन फ़िलहाल मेरे सामने कैमरा के पीछे एयर सर्बिया के सारे पैसेंजर्स अपना अपना सामान ले रहे हैं. एक बड़ा इम्पॉर्टेंट अपडेट हुआ, वो मैं ज़रा आपके साथ शेयर कर दूँ. एक्चुअली वहाँ सर्बिया वाले बेलग्रेड के एयरपोर्ट पर तो वो जो मोहतरमाएँ थी एयर सर्बिया की, उन्होंने डायरेक्ट बोर्डिंग पासेस तो दे दिए थे. उन्होंने कहा कि आपका लगेज भी हम थ्रू चेक इन कर देते हैं, सीधा आपको पुंटा काना मिल जाएगा जहाँ आपका डेस्टिनेशन है, यानी डोमिनिकन रिपब्लिक में, यानी न्यूयॉर्क और मायामी में. जो मेरे 2 लेओवर पॉइंट्स हैं वहाँ पर मुझे कुछ करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने लगेज को. लेकिन यहाँ पर कोई एयर सर्बिया का ऐसा कोई ऑफिशियल था नहीं, और उसमें अनाउंसमेंट हो रही थी फ़्लाइट में जब लैंड होने वाली थी कि आपको अपना लगेज यहाँ से लेके दोबारा से चेक इन कराना पड़ेगा. ये मुझे थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी लगा. अब यहाँ कोई था नहीं, मैं वापस इमिग्रेशन वालों के पास में गया. फिर तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे बात कर सकता हूँ, अंदर आ जाऊँ. मैंने कहा नहीं, यू कैन नॉट
मैंने कहा ठीक है। तो फिर वो लेडी आई, मास्क लगाया, सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि JFK में सभी लगेज आपको यहाँ लेने होंगे और फिर उसके बाद आपको रीचेक इन कराने पड़ेंगे। मैं सोचा था कि थ्रू चेक इन हो जाएगा तो वो $30 जो बचते हैं, एक्चुअली अमेरिकन एयरलाइंस चार्ज करता है हर चेक इन बैगेज के लिए, और वज़न भी कुछ 23 या 24 किलो ही देता है। मैं सोच रहा था बच गए पैसे, पर अब तो नहीं बचेंगे सूरत में। और अच्छी बात यह है कि पूछ लिया जाने से पहले, वरना मैं तो ये सोच रहा था कि थ्रू चेक इन ना वहीं जाके सामान मिलेगा, पड़ा रह जाता यहीं न्यूयॉर्क में, और वहाँ मैं बिना कपड़ों के घूम रहा होता। अब देखना है सामान आया कि नहीं यहाँ पे। सामान जब तक आ रहा है मैंने सोचा क्यों ना वीडियो अपलोड कर लूँ। तो JFK एयरपोर्ट का फ्री वाईफाई था, वो देख रहा हूँ ज़रा इंटरनेट स्पीड कैसी है। ओ बेटे, सीरियसली कितनी ज़्यादा खुशी हुई ये देखकर। 100 Mbps डाउनलोड अपलोड, क्या बात, वेलकम टू। अपना सामान वहाँ से उठाने के बाद में अपने पास में रखना पड़ेगा, वो मतलब उठाना पड़ेगा खुद ही, अदरवाइज ट्रॉली यहाँ पर मुफ्त नहीं है जनाब, JFK के टर्मिनल 4 पे। कस्टम्स हो गया क्लियर और ये हिंदी में हो गया स्वागतम। US में रूल्स थोड़े से डिफरेंट हैं, अगर आप ट्रांजिट भी कर रहे हैं जैसे कि मैं कर रहा हूँ तो उसके लिए भी US का वीज़ा होना बहुत ज़रूरी है। इस गेट से बाहर निकलने के बाद लेफ्ट साइड में है कनेक्टिंग फ्लाइट्स वाला काउंटर, और इस तरफ राइट साइड में आप शहर से बाहर निकल जाइए, एयरपोर्ट से बाहर निकल जाइए शहर की तरफ, और वहाँ ऊपर उस तरफ चल रही हैं ट्रेन्स जो शायद फ्री हैं, ये टर्मिनल वाली ट्रेन्स हैं। उधर बैकड्रॉप लिखा हुआ है, मैं जा रहा हूँ वहाँ पर। री चेक इन वाला काउंटर था, वहाँ पता चला कि आपका टर्मिनल 8 है, मैं हूँ टर्मिनल 4 पर। टर्मिनल 8 पे आपको जाके री चेक करना पड़ेगा क्योंकि जो अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट है सारी वहाँ से जाती हैं। पिछले आधे घंटे से परेशान हुआ जा रहा हूँ मैं, इधर से उधर उधर से इधर। थ्रू चेक इन था, बैगेज तो कहाँ देना है, अब मैं सीधा टर्मिनल 8 पे ही जा रहा हूँ, वहीं पर दे दूँगा सीधा अपना सामान। एयर ट्रेन सॉरी क्या बोलते हैं, वहाँ पर आ गया हूँ। यहाँ से मेरे को टर्मिनल 8 के लिए ट्रेन मिल जाएगी, एयर ट्रेन बोलते हैं इनको, और ये फ्री है। The next train arriving on track 2 is for all airline terminals and all connecting flights. Please take your belongings. टॉय ट्रेन जैसी लगती है, अच्छी है। ऊपर डिस्प्ले हो रहा है वी आर अराइविंग एट टर्मिनल 1। टर्मिनल 1 के बाद सीधा टर्मिनल 8 आ गया, पहुंच गया टर्मिनल 8, हार्डली 5 मिनट लगे मगर मज़ा आया, ऐसा लग रहा था अप्पू घर में पहुंच गया हूँ मैं, अपने बचपन का अप्पू घर प्रगति मैदान, झूले झूल रहा हूँ। बहुत बुरा फंसाया इस चेक इन के चक्कर में, मेरे पास में बोर्डिंग पास होते हुए भी मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ, और अभी यहाँ पर रात के कितने बजे हैं भाई साहब, अभी यहाँ रात के 9:30 बज रहे हैं और सुबह 6 बजे की फ़्लाइट है। अमेरिकन एयरलाइंस के टर्मिनल पे मैं काफ़ी देर पहले आ गया था, लेकिन अमेरिकन एयरलाइंस के सारे काउंटर्स इस वक्त खाली हैं, सब जा चुके हैं ऑफिशियल्स रात 8 बजे से ही। किसी से पता चला, उन्होंने कहा कि सुबह 3 बजे आएंगे, वो पहली फ़्लाइट ही मेरी है सुबह 6 बजे वाली, तो यानी 3 बजे तक मेरे को अब यहाँ बैठना पड़ेगा। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, ये चार्जिंग पॉइंट एक मिल गया, अपना फ़ोन चार्ज कर रहा हूँ, 50% बैटरी लग गई थी,
नींद आ रही है बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि वहाँ पर इस वक्त 3:30 बज रहे हैं सुबह के, वहाँ जहाँ से मैं आया हूँ बोर्डिंग पास होते हुए भी। अदरवाइज़ बोर्डिंग पास दिखाता मैं सीधे अंदर जाता, शायद अंदर वहाँ पर एक लाइनर्स होते तो मैं जाके आराम से पसर के सो चुका होता। इनफैक्ट यहाँ पर खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है, इस तरफ अंदर है जो दिख रहा है मेरे को, लेकिन बोर्डिंग मैं कर नहीं रहा हूँ, क्या करें, बड़ी परेशानी है। सुप्रभात हो चुकी है, पीछे अमेरिकन एयरलाइंस का जो काउंटर है वहाँ पर बैगेज ड्रॉप का एक काउंटर था, तो सभी लोग जब लाइन में खड़े हुए हैं वो रेगुलर चेक इन कर रहे हैं, यानी उनके पास में बोर्डिंग पास नहीं है, बोर्डिंग पास ले रहे हैं और अपना सामान दे रहे हैं चेक इन करने के लिए। सो मेरे केस में क्योंकि उन्होंने इसको थ्रू चेक इन कर दिया था एयर सर्बिया ने ही बेलग्रेड से, और बोर्डिंग पासेस क्योंकि मेरे पास में थे उन्होंने कहा सीधा वहाँ पर हम ड्रॉप कर सकते हैं बैगेज को और जाके लाइन में खड़े सकते हैं सीधा इमिग्रेशन वाली लाइन में। 3:00 अमेरिकन एयरलाइंस के काउंटर्स खुल गए थे, टर्मिनल 8 है ये, टर्मिनल 4 पे मेरी फ़्लाइट लैंड हुई थी, तो शायद अमेरिकन एयरलाइंस का टर्मिनल 8 ही है। तो 3:00 काउंटर खोले थे, 3:30 ये सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स खुलेंगे, यानी आगे हम जा पाएंगे 3:30। एक तो रात भर सो नहीं सका था, मुश्किल से 1 घंटा सो सका था, 1.5 घंटा, खाया भी कुछ बहुत अच्छा नहीं है, ऊपर से आधा घंटा यहाँ आए लोग लाइन में, ऐसे इन्होंने खड़ा करके रखा हुआ है TSA के लोगों ने सिक्योरिटी के लिए। वैसे ये भी बड़ी अजीब बात है, ये USA है लेकिन ये इनका जो सिक्योरिटी चेक है वो 24 घंटे नहीं खुला रहता है। एक तो USA, ऊपर से न्यूयॉर्क, और ऊपर से न्यूयॉर्क का भी जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट, कोई छोटा एयरपोर्ट नहीं है, वरना हमारे यहाँ तो खैर 24 घंटे चलता रहता है। अगर कोई बहुत छोटा एयरपोर्ट है तो अलग बात है, लेकिन जैसे दिल्ली मुंबई जैसे एयरपोर्ट्स में तो सब कुछ 24 घंटे चलता है। आज जून 2018 था वो, जब मैंने TSA यानी सिक्योरिटी चेक मैंने किया था, अमेरिकन जो TSA होता है वो सिक्योरिटी चेक मैंने किया था। आज करीब दो ढाई साल हो गए, आज फिर से उस प्रोसेस से गुजरा मैं अभी मायामी की फ़्लाइट पकड़ते हुए। और ख़ास बात ये है कि हर बार जब भी मैं फ़्लाइट पकड़ूंगा हर बार इस तरह के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। मैं आपको ये वाली बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि जब बॉस्टन से दिल्ली वापस आ रहा था मैं, तो यही TSA था यानी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट इनका, जो मेरा तो बड़ा ख़राब एक्सपीरियंस रहा था, आपने वो वीडियो देखा भी था, लेकिन आज का एक्सपीरियंस ठीक ठाक था। एक्चुअली डिपेंड करता है सारा कुछ ऑफिशियल्स के ऊपर, मगर ये है कि ये लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं और बहुत ही ऐसे में आदमी पजल हो सकता है, सामान सारा निकलवाओ और फिर उसके बाद जल्दी करो आगे लाइन है पीछे लाइन है, वो थोड़ा सा एक पंगा होता है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। बट ये ज़रूर ख्याल रखें कभी भी होपलेस नहीं होना और गुस्सा नहीं होना या कुछ भी नहीं करना, नॉर्मल रहना है, दिमाग को शांत रखना है, ये ख्याल रखना जो ट्रे में डाला है वो वापस ज़रूर अपने साथ में लेते हैं। फ़िलहाल ये है जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट का टर्मिनल 8 का सारा हिसाब किताब डिपार्चर वाला, बड़ा एयरपोर्ट है ये, शायद नया वाला हिसाब किताब है इसका जो अच्छा है। और सुबह है इस वजह से सारा बंद है, या ये पेंडेमिक की वजह से बंद पड़ा है, पता नहीं क्या है लेकिन बंद पड़ा है। अदरवाइज़ मैंने सोचा था कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स, मुझे GoPro ख़रीदना था, सोचा था यहीं से मिल जाए तो अच्छा, जैसे इन मोशन नाम की दुकान है, इंटरनेट पर मैंने देखा था कि ये भी उनमें से एक है, पर जो भी है खाली खाली एयरपोर्ट अच्छा लग रहा है। यार ये क्या चीज़ है, जो अमेरिका में लोग रहते हैं थोड़ा बताना, ये न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर ये मुझे नज़र आया, प्रीपेड फ़ोन कार्ड्स का ये कियोस्क। अच्छी बात, पिछली बार भी जब बॉस्टन एयरपोर्ट पर आया था तो ये वाले जो रीफिल स्टेशन्स हैं, रीफिल पॉइंट्स हैं, ये मिल गए थे, यहाँ पर भी है, बस ये थोड़ा गर्म पानी भी मिल जाता तो और भी अच्छा रहता। बट हैरानी है यार, मतलब ये जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट है, न्यूयॉर्क का एयरपोर्ट है, USA का एयरपोर्ट है, यहाँ पर खाने की एक भी दुकान नहीं खुली हुई है इस वक्त,
और मेरे जैसे हमारे जैसे लोगों की हालत क्या होगी जो ट्रांजिट कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। 10 घंटे में चल के आया था, 10 घंटे यहाँ वेट करना पड़ा। फ़्लाइट में भी कोई बहुत खास नहीं मिल पाया था क्योंकि नॉन वेजिटेरियन था, वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ किया, यहाँ कॉम्प्रोमाइज़, यहाँ पर कुछ मिल ही नहीं रहा। सोचा था कि बोर्डिंग करने के बाद खाएंगे, लेकिन जनाब यहाँ तो कुछ है ही नहीं। खैर अब पता नहीं फ़्लाइट में भी मिलेगा या नहीं। मेरे पीछे उस तरफ बोर्डिंग शुरू हो गई है, मेरा है ग्रुप नंबर 9। यहाँ पर ये भी है और अच्छी बात है, ये धीरे धीरे करके बुलाते हैं लोगों को, ग्रुप्स में बांट दिया है बोर्ड करने वाले लोगों को। अपने यहाँ पर तो होता है ना जैसे एक साथ खड़े हो जाओ और फिर लाइन में खड़े रहो बहुत देर तक, यहाँ पर थोड़ा सिस्टमेटिक है, ग्रुप वाइज बुला रहे हैं। मेरा ग्रुप है लास्ट में, तो अब अनाउंसमेंट होगी ग्रुप नंबर 9 की। अब मैं जा रहा हूँ बोर्ड करने के लिए, फ़्लाइट है मायामी की, यहाँ न्यूयॉर्क से। 3 घंटे लगेंगे, अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट है, सुबह 6 बजे वाली।